कलीसिया का शुरू हुआ। यीशु के स्वर्ग लौट जाने के बाद चेला यरूशलेम में ही रुके रहा, जैसा कि यीशु ने उन्हें का करें का आदेश दिन थे। वहाँ के विश्वासी लोग लगातार एक साथ प्रार्थना करें के खातिर इकट्ठा होते। हर साल फसह के त्यौहार के 50 दिनन के बाद यहूदी लोग पिंतेकुस्त नाम के एक महत्वपूर्ण दिन का मनाव करते। पिंतेकुस्त वह समय आए जब यहूदी लोग गेहूँ की कटाई का मनाव करते। सारे संसार से यहूदी लोग पिंतेकुस्त के दिन का एक साथ मनावे के खातिर यरूशलेम में आए। यह साल पिंतेकुस्त मनावा का समय यीशु के स्वर्ग का चले जाने के लगभग एक सप्ताह के बाद आओ। जौन समय सारे विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठा भए थे तो जौन घर में उई रहें तो वह घर अचानक से तेज हवा की आवाज़ से भर गया। तब आगी की लपटन के जैसा दिखाए वाला कुछ सबे विश्वासियन के मुड़न के ऊपर प्रकट भा। उ सबे पवित्र आत्मा से भर गए और उई दूसरी दूसरी भाषण माँ परमेश्वर के स्तुति करें लाग। उई इन भाषण का ना जानते ही उई भाषाएं आए जिनका बोलने के खातिर उन्हीं का पवित्र आत्मा ने सक्षम किन तय। जब यरूशलेम माँ रहने वाले लोगों ने वह शोर का सुनें तो उई भी भीड़ के रूप में यह देखें के खातिर एक साथ आए कि काय हुई रहो है। उई विश्वासियन का परमेश्वर द्वारा किन गे बड़े बड़े कामन के घोषणा कर सुनें उई चकित रहें, कहे से कि भले ही उई कई दूसरे दूसरे देशन से रहें और कई दूसरी दूसरी भाषा बोलत रहें, फिर भी उन कामन का अपन ही भाषा में सुन रहे थे। चेला इजराइल से रहें और आरामी इब्रानी या यूनानी भाषा बोलत थे, लेकिन लोग अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे थे कि परमेश्वर ने काय काय कीन है। इनमें से कुछ लोगों ने कहो कि उई चेले नशे मारा है, लेकिन पतरस खड़ा भा और उन्हें से बोले मोर बात सुना, ये लोग नशे मा निहाय, यही की बजाय जौन तुम देख रहे हो वह आए जौन योयल परमेश्वर का संदेश बतावे वाले ने कहो ती होगा। परमेश्वर कहिस अंत के दिनन मा मैं अपन आत्मा उड़ेली हूँ। हे इजरायली लोगो, ईस एक ऐसा आदमी रहा जौन यह दिखावे के खातिर कि वह कौन आए बहुत से अनोखे काम कीन्त। वह परमेश्वर की सामर्थ से बहुत से अद्भुत कामन का कीन्त। तुम यह जानत हो कहे से कि तुम ई कामन का देख हो, लेकिन तुम वही का क्रूस माँ चढ़ाए दीन हो। यीशु मर गा, लेकिन परमेश्वर ने वही का मुर्दन माँ से जीवित कर दीनेस या वह बात का पूरा कर दीनेस जहका एक परमेश्वर का संदेश बतावे वाले ने लिखो रहा है। तय अपने पवित्र जन का कब्र माँ सड़े ना दई है। हम गवाह हैं कि परमेश्वर ने यीशु का फिर से जियाए दीन है। परमेश्वर पिता ने अब यीशु का अपनी दाहिनी तरफ बैठाए कर वही का आदर दीन है और यीशु ने हमारे खातिर पवित्र आत्मा भेजो है, जैसा कि वह वादा कीन तय की वह भेजी। पवित्र आत्मा ही उन कामन का हुए दई रहो है जिनका तुम देख रहे हो और सुन रहे हो। तुमने वह आदमी यीशु का क्रूस माँ चढ़ाए दीन हो, लेकिन निश्चित रूप से जान लो कि परमेश्वर ने यीशु का सबे चीजन माँ प्रभु और मसीह दोनों ठहराओ है। पतरस का सुने वाले लोग वही के द्वारा कही गई बातन से अंदर तक हिल गए। यही खातिर उई पतरस और चेलन से पूछिन, हे भाइयों हमका काय करो चाहिए। पतरस ने उन्हें का जवाब दीने, तुम माँ से हर एक अपने पापन के खातिर पश्चाताप करे ताकि परमेश्वर तुम्हारे पापन का क्षमा करे, और तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया तब वह तुमका वरदान स्वरूप पवित्र आत्मा भी दई। पतरस ने जौन कहो वही माँ लगभग 3,000 लोगन ने विश्वास किन और यीशु के चेला बन गए। वहीं बपतिस्मा लेनन और यरूशलेम की कलीसिया का हिस्सा बन गए। जब चेलन ने उन्हें का शिक्षा दीनन तो विश्वासियन ने लगातार सुनन। वही निरंतर मिलो करते और एक साथ भोजन करो करते और वही निरंतर एक दूसरे के खातिर प्रार्थना करते। वही मिलके परमेश्वर के स्तुति करते और जिनके जौन कुछ भी रहा वही एक दूसरे के साथ साझा कीनन। नगर का हर एक आदमी
उन्हें के खातिर अच्छा विचार रखत है। हर एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग विश्वासी बने लाग। प्रेरितों के काम अध्याय 2 से बाइबिल के एक कथा।